गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में यू माइनस वी और यू प्लस वी वाले क्वेश्चन किए थे पिछले दो तीन क्लास में। और आज हम करेंगे एक क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पंद्रह है कि यदि यदि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एक प्रदेश में विश्लेषिक है कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एक प्रदेश में विश्लेषिक है तथा एफ जेड का वास्तविक भाग अचर है तथा एफ जेड का वास्तविक भाग अचर है तो सिद्ध कीजिए कि स्मॉल एफ जेड भी अचर है। यदि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एक प्रदेश में विश्लेषिक है तथा स्मॉल एफ जेड का वास्तविक भाग अचर दे रखा है और बोल रहा है कि अगर वास्तविक भाग अचर होगा तो एफ जेड भी अचर होगा, तो इसके लिए पहले तो हम देखेंगे कि विश्लेषिक क्या है। तो हमने देखा था ना पहले विश्लेषिक क्या है, तो विश्लेषिक होने के लिए अगर कोई फलन है ना एफ जेड, ये विश्लेषिक होगा कब होगा, यदि ये अपने कोई एरिया के अंदर क्या हो, अवकलनीय हो यदि स्मॉल एफ जेड अवकलनीय हो, तो स्मॉल एफ जेड अगर अवकलनीय हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा। तो अवकलनीय होने की आवश्यक कंडीशन है कि वो अवकलनीय हो। अवकलनीय होने का मतलब अवकलनीय होगा तो सतत होगा, और अगर कोई फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो कोशी रीमान को संतुष्ट करेगा, कोशी रीमान समीकरण को। और कोशी रीमान समीकरण क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से कोशी रीमान को संतुष्ट करेगा। और अब ये बोल रहा है कि स्मॉल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है, और ये बोल रहा है कि रियल पार्ट इसका वास्तविक भाग अचर होगा, मतलब अचर का मतलब कांस्टेंट होगा, तो ये स्मॉल एफ जेड भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एफ जेड क्या है, एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक होने का मतलब वो अवकलनीय भी है, वो सतत भी है, वो कोशी रीमान को भी संतुष्ट करेगा और वो प्रसमवादी फलन भी है, प्रसमवादी फलन। तो स्मॉल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, तो ये बोल रहा है कि स्मॉल एफ जेड, रिपीट कर रहा हूँ कि स्मॉल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है। और यू क्या दे रखा है यहाँ, रियल पार्ट तो क्या है, रियल पार्ट पहली क्लास में देखा था कि रियल पार्ट क्या है, यहाँ रियल पार्ट है यू, रियल पार्ट किसका, एफ जेड का। तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड यू, और इमेजिनरी पार्ट है यहाँ वी। तो यहाँ रियल पार्ट वी और इमेजिनरी पार्ट वी, रियल पार्ट का मतलब वास्तविक भाग। तो यहाँ वास्तविक भाग क्या है, स्मॉल यू। तो ये बोल रहा है कि ये यू है वो क्या है, अचर होने का मतलब कोई कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट की। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये स्मॉल एफ जेड भी कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट कब होगा, जब ये भी कांस्टेंट हो और वी भी कांस्टेंट हो। तो हमें वी को भी कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्मॉल एफ जेड में यू प्लस आयोटा वी है, तो यू क्या है यहाँ, वास्तविक भाग। तो बोल रहा है कि वास्तविक भाग क्या है, यू क्या है, अचर है, मतलब अचर होने का मतलब उसका अवकलन करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि अचर का अवकलन जीरो होता है। तो अगर ये बोल रहा है कि फिर सिद्ध करो कि अगर यू वास्तविक भाग है
वो अगर एचर है तो स्मॉल एफ जेड भी एचर होगा। तो स्मॉल एफ जेड को एचर दिखाने के लिए हमें यू को एचर दिखाना पड़ेगा, और यू को एचर पहले से दे रखा है और यू को एचर दे रखा है तो वी को एचर दिखाना पड़ेगा। तो वी को एचर दिखाने के लिए वी किसका फंक्शन होता है, एक्स और वाई का, और यू भी एक्स और वाई का। तो तभी तो यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई क्या होता है, स्मॉल एफ जेड। तो यहाँ यू किसका फंक्शन, एक्स और वाई का, और यहाँ वी किसका फंक्शन, और एक्स और वाई का। तो ये क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है एचर कि यू एक्स वाई दे रखा है एचर, यू एक्स वाई एचर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, वी एक्स वाई को भी एचर दिखा देंगे, और वी एक्स वाई को एचर दिखाते ही यू एक्स वाई तो एचर दे रखा है, और वी एक्स वाई को एचर दिखाते ही दोनों क्या हो जाएंगे एचर। तो एचर से एफ जेड भी क्या हो जाएगा, एचर। तो वी वी एक्स वाई को अचर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वी किसी भी संख्या को अचर दिखाने के लिए क्या करते हैं कि उसका अवकलन कर देंगे, और अगर अवकलन जीरो आ गया तो वो क्या होगा, अचर होगा। तो यहाँ वी किसका फंक्शन, एक्स का और वाई का भी। तो यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो भी वी का जीरो आना चाहिए, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ जाता है दोनों के रेस्पेक्ट में करने से तो वी एक्स वाई क्या हो जाएगा, अचर। मतलब यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स को भी जीरो दिखाना है, और डेल वी अपॉन डेल वाई को भी जीरो दिखाना है। अब यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब है कि एक्स के रेस्पेक्ट में अगर वी का, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर वी का अवकलन कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वी में वाई नहीं है, वी में एक्स नहीं है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। और यहाँ डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब वी का वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वी में वाई नहीं है, तो यहाँ एक्स भी नहीं है और वी में वाई भी मतलब एक्स भी नहीं है और वाई भी नहीं है। तो एक्स भी नहीं है और वाई भी नहीं है, इसका मतलब वी क्या है, अचर है। तो यहाँ पहले ये कंडीशन दिखानी पड़ेगी और फिर बाद में ये कंडीशन दिखानी पड़ेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्मॉल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी दे रखा है, और स्मॉल एफ जेड वास्तविक भाग क्या दे रखा है, एचर दे रखा है। मतलब यू क्या दे रखा है, रियल पार्ट क्या दे रखा है, हमें एचर दे रखा है। तो रियल पार्ट एचर दे रखा है और बोल रहा है कि स्मॉल एफ जेड को क्या दिखाओ, एचर दिखाओ। तो स्मॉल एफ जेड को एचर दिखाने के लिए ये तो एचर दे रखा है, और वी को भी क्या दिखाना पड़ेगा, एचर दिखाना पड़ेगा। और वी क्या होता है, एक्स और वाई का फलन होता है। एक्स और वाई का फलन होने का मतलब, एक्स और वाई का फलन होने का मतलब वी को एक्स से रहित दिखाओ और वाई से रहित दिखाओ। रहित मतलब कि इसमें एक्स भी नहीं है और वाई भी नहीं है, एक्स भी नहीं है और वाई भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब वी में एक्स नहीं है। मतलब वी का अगर किसी भी संख्या को अचर दिखाने के लिए अगर उसका अवकलन करें वो जीरो आ जाता है, इसका मतलब वो क्या है, अचर है। तो यहाँ x और y का फलन होता है, तो डेल v अपॉन डेल x को भी जीरो दिखाना पड़ेगा और डेल v अपॉन डेल y को भी जीरो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ से पहले तो क्या करेंगे कि स्मॉल एफ जेड को क्या मान लेंगे, विश्लेषिक मान लेंगे। तो विश्लेषिक मानेंगे क्योंकि विश्लेषिक दे रखा है स्मॉल एफ जेड को। तो सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन ये करेंगे कि स्मॉल एफ माना, पहले मान लेंगे कि स्मॉल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि स्मॉल एफ जेड अचर है। प्रूफ यही तो करना है कि स्मॉल एफ जेड अचर है। तथा माना एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन है दे रखा है, और आगे क्या दे रखा है कि एफ जेड का वास्तविक भाग है, तथा वास्तविक भाग क्या है, यहाँ वास्तविक भाग है यू क्या है, अचर है। तो यहाँ u तो अचर दे रखा है और v को अचर दिखाना है, और v को अचर दिखाने के लिए v किसका फंक्शन, x और y का, कोई फलन x और y का फंक्शन है v,
तो अगर v कांस्टेंट होगा तो v का अवकलन कर देंगे, तो अवकलन करेंगे अगर वो जीरो आ गया, इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट है, एचआर है उसका मान। तो यहाँ से डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x भी जीरो आ जाए, और डेल v अपॉन डेल y भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, डेल v अपॉन डेल x भी जीरो आ जाए और डेल v अपॉन डेल y भी जीरो आ जाए, क्योंकि v में x का भी फलन है और v y का भी फलन होता है। तो x और y का फलन, x और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कांस्टेंट मान है x और y का, तो जीरो आ रहा है, मतलब v क्या होगा, कांस्टेंट होगा अगर वो दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि u दे रखा है, u अचर दे रखा है, और u किसका फलन है, x और y का, u किसका फलन है, x और y का, और u क्या दे रखा है, अचर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू जीरो, क्योंकि u अचर दे रखा है और u किसका फंक्शन है, x और y का। तो यहाँ से डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू जीरो, क्योंकि u तो दे रखा है और v को प्रूफ करेंगे तो u और v दोनों होते ही स्मॉल एफ जेड भी अचर हो जाएगा। तो डेल u अपॉन डेल x तो जीरो दे रखा है। अब यहाँ से मुझे क्या दिखाना है, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल x को जीरो। तो यहाँ से क्या मैं डेल u अपॉन डेल x को डेल v अपॉन डेल y लिख सकता हूँ क्या, हाँ इसको चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्मॉल एफ जेड क्या है, विश्लेषिक दे रखा है, और विश्लेषिक दे रखा है तो कोशी रीमान को संतुष्ट करेगा, और कोशी रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह मैं कोशी रीमान समीकरण लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि विश्लेषिक दे रखा है, और विश्लेषिक दे रखा हो तो कोशी रीमान को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो बाई सी आर इक्वेशन, कोशी रीमान इक्वेशन, कोशी रीमान इक्वेशन, डेल वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, और डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ से आया, दिया गया है क्वेश्चन में, यू को कॉन्स्टेंट बताया, यू अचर है, सी आर इक्वेशन, और समीकरण इसको नंबर दे दिया, समीकरण नंबर एक। अब यहाँ से एक तो सोल्व हो गई कि डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, मतलब वी में वाई नहीं है, वी में वाई नहीं है, और एक बार दिखा देंगे वी में एक्स नहीं है, तो वी में एक्स नहीं है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम और भी लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि यू तो कॉन्स्टेंट दे रखा है और यू में क्या है, एक्स और वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, क्योंकि u क्या है, अचर है। तो यहाँ से क्योंकि u क्या है, अचर है, फिर डेल u अपॉन डेल y को कोशी रीमान लगा सकते हैं, क्योंकि एफ जेड क्या दे रखा है, विश्लेषिक, तो डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y माइनस माइनस डी वी अपॉन डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू जीरो, अगर माइनस उस साइड गया तो माइनस जीरो और जीरो कोई फर्क नहीं, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स को जीरो दिखाना है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स भी जीरो और डेल वी अपॉन डेल वाई भी जीरो। तो यहाँ समीकरण नंबर एक और यहाँ समीकरण नंबर दो, और ये कहाँ से आया भाई, सी आर इक्वेशन, भाई सी आर इक्वेशन, समीकरण एक और समीकरण दो, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण या लिखेंगे कि समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से स्पष्ट है कि वी चर, वी जो चर है वो एक्स तथा वाई से वी, समीकरण एक और दो से स्पष्ट है कि वी एक्स तथा वाई चर की, वी चर एक्स तथा वाई से, वी चर एक्स तथा वाई से रहित है, वी चर एक्स तथा वाई से रहित है, अतः वी क्या है, वी अचर है। अगर v अचर है तो स्मॉल एफ जेड भी क्या है, अचर।
अचर है, स्मॉल एफ जेड अचर क्यों है कि यू अचर दे रखा और वी प्रूफ कर दिया तो स्मॉल एफ जेड भी क्या होगा, अचर होगा। यहाँ समीकरण एक व दो से स्पष्ट है कि वी चर एक्स तथा वाई से रहित नहीं, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, अतः वी अचर है। अगर वी अचर है तो यू भी अचर और वी भी अचर, तो स्मॉल एफ जेड भी क्या होगा, अचर। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, सी यू।